चुके हैं इनवरि सिटी और यहाँ पे कैसल है और बहुत अच्छा सा व्यू आ रहा है इस बात से हमने एंटर किया है कैसल के एरिया में तो इधर पार्किंग थी और इधर से हम आ चुके हैं अंदर और ये ग्रीनरी एकदम माइंड ब्लोइंग है लेकिन ये जो येलो ट्री देख रहे हैं आपको ये आर्टिफिशियल है लेकिन ये यहाँ बहुत सुंदर लग रहे हैं और हमारी तरह सारी पब्लिक इन सबको देखने में बिजी है और अभी सब एकदम से स्पॉट पे आते ही फोटोज क्लिक करना स्टार्ट कर चुके हैं और ये देखो ग्रीन एंड येलो कॉम्बिनेशन क्लियर स्काई बहुत अच्छा वेदर है बहुत सुंदर है और ये है पूरा कासल जो अभी हम विज़िट करने वाले हैं तो अभी कुछ फ़ोटोज़ पहले बाहर से एंड देन अंदर से तो अभी हम कासल में एंट्री करते हैं कैसल में हम अभी एंट्री कर चुके हैं और सबसे पहले ड्राइंग रूम में आए हैं और बहुत सुंदर है पेंटिंग्स बहुत अमेजिंग है कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है पूरा इंटीरियर बहुत अच्छे से मेंटेन किया के रखा है अभी तक और ये देखो सीलिंग बहुत सही कलर कॉम्बिनेशन में ये डेकोरेट किया है बहुत अच्छा लग रहा है और ये है उस टाइम की चेयर्स तो अभी तक इतनी सुंदर लग रही है जो उस टाइम का आर्ट वर्क था अभी तक वो चल रहा है ये ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत पुराना है और बहुत सुंदर दिख रहा है और ये पूरे कैसल में बहुत सारी विंडोज़ हैं जहाँ से बाहर का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है तो अभी हम एंटर कर रहे हैं कैसल के उस एरिया में जहाँ सारी क्रॉकरी को रखा गया है तो ये रॉयल फैमिली की वो क्रॉकरी है जो उस टाइम पे यूज़ होती होगी और क्रॉकरी रॉयल फैमिली में कुछ लिमिटेड नहीं है बहुत सारा कलेक्शन है बहुत वैरायटी है और बहुत सुंदर है और पेंटिंग्स का कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड है क्योंकि आपको हर रूम में आप पेंटिंग्स दिखेंगी और यहाँ भी सीलिंग बहुत सुंदर है एंड देन इस रूम में भी विंडो है जहाँ से बाहर का पूरा व्यू आ रहा है तो अभी इस रूम से निकलते हैं बाहर और अब हम आ चुके हैं डाइनिंग एरिया में तो ये है रॉयल फैमिली की डाइनिंग टेबल जो आई गेस टेन चेयर्स की है और यहाँ बहुत सारी क्रॉकरी है एंड जस्ट लुक एट दिस झूमर एंड सीलिंग दिस इज लुकिंग रियली वेरी ब्यूटिफुल तो जो आर्ट वर्क है रॉयल फैमिलीज़ में सिर्फ इंडिया में ही इन नहीं था ये स्कॉटिश रॉयल फैमिली में भी आपको बहुत सारा अच्छा आर्ट वर्क देखने को मिलेगा इधर कैंडल स्टैंड एंड दैन टेबल लैम्प्स और ये साथ में कुछ स्टैचूज भी हैं ये देखो कितना प्यारा है तो डाइनिंग एरिया हमारा कवर हो चुका है नेक्स्ट हम आते हैं जो इस कैसल का मेन हॉल है तो यहाँ बहुत सारी आर्टिलरी है और इसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया है तो सिर्फ ये आपको एक इंफॉर्मेशन पर्पज़ से तो आप ये सारी आर्टिलरी एक्सप्लोर कर ही रहे हो और उसके साथ इसको इतना प्रॉपरली अरेंज किया है कि ये बहुत सुंदर भी लग रहा है उस टाइम के सारे वेपन्स हैं जो यूज़ होते थे और हाँ ये इस कैसल में एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैंने देखी है यहाँ सारे आइटम्स पे एक सेंसर लगा हुआ है तो कैसल में एंट्री करते टाइम नोटिस बोर्ड पे हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी आइटम को टच नहीं करना है अदरवाइज अलार्म्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये देखो कितना सुंदर है और इस कॉमन हॉल से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तो देखते हैं हम पहले किस सेक्शन में जाके वहाँ का टूर लेते हैं कॉमन सेक्शन के बाद हम आए हैं आई गेस ये फैमिली रूम होगा तो रॉयल फैमिलीज़ में ये बहुत ये पेंटिंग्स का कल्चर था तो ये सारा जो फ़ैमिली ट्री है इसे पेंटिंग के थ्रू यहाँ दिखाया गया है एंड देन यहाँ भी विंडो है जहाँ से बाहर का व्यू आ रहा है और सारे रूम से अलग व्यू आ रहा है जो बाहर मैंने आपको दिखाया था वो सुंदर था और यहाँ से भी हम लोग अभी सारी विंडो से चेक कर रहे हैं कि बाहर कैसा व्यू आ रहा है और मैं ही नहीं मेरे साथ जितने भी अभी लोग इधर आए हैं यहाँ इस कैसल को विज़िट करने वो सब यहाँ से चेक कर रहे हैं कि किस विंडो से कैसा व्यू आ रहा है तो यहाँ से हम आ चुके हैं इस एरिया में तो जहाँ से हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे भी जाने का ऑप्शन है एंड ग्राउंड फ्लोर पे भी जाने का ऑप्शन है तो अभी पहले हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर इस एरिया में थोड़े से ये आर्म्स हैं जो जिसकी पूरी डिटेल्स भी यहाँ हैं तो हम पहले इसको देखते हैं और अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जाते जाते हमें ये रॉयल फ़ैमिली की जो ड्रेसेस थी वेडिंग ड्रेसेस वो दिखी हैं अगर आपको कोई सी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अब हम चलते हैं ऊपर ऊपर हम आ चुके हैं और यहाँ रॉयल फ़ैमिलीज़ के कुछ ही स्लीपर्स और कुछ और आइटम्स रखे गए हैं और यहाँ कुछ म्यूज़िक आर्टिकल्स भी हैं और इसके साथ ही मुझे यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है जो मैं आपको भी दिखाती हूँ जो हमारे इंडियन कल्चर में रहता है ना एलिफेंट और अगर हम बात करें जयपुर साइड की तो उधर तो एलिफेंट का जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो यहाँ भी एक बहुत सुंदर सा एलिफेंट है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ये देखो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और आते हैं बेडरूम में और ये बेडरूम बहुत सुंदर है इस बेड का जो डिज़ाइन है और जो कलर्स हैं बहुत अच्छे हैं साथ ही में इस बेड पे एक छोटी सी डॉल भी है जो इस बेड को और ज़्यादा सुंदर बना रही है और देखते हैं रॉयल फैमिली के बेडरूम में और क्या क्या होता था एक तो फैंसी बेड जो बहुत अट्रैक्टिव है इसके साथ ही बेड के आगे एक छोटी सी चेयर भी है जो बहुत सुंदर दिख रही है और सच बताओ किसको इस बेडरूम को देख देख के कॉन्ज्यूरिंग मूवी की याद आई है ये बेडरूम से पूरा व्यू बेडरूम हम पूरा कवर कर चुके हैं तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट रूम में तो ये है फोटोग्राफ रूम यहाँ रॉयल फैमिली पूरी एल्बम है मतलब तो पूरा फैमिली ट्री आपको मिलेगा इधर देखने को अभी हम चलते हैं अंडरग्राउंड तो देखते हैं वहाँ क्या है हम अभी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कवर करके आ चुके हैं और अब हम एंटर कर रहे हैं रॉयल फैमिली के किचन और ये है रॉयल फैमिली का किचन जहाँ ये एनिमल्स को इस तरह से ग्रिल किया जाता था ये अभी एक आर्टिफिशियल सेटअप यहाँ मेंटेन करके रखा गया है तो और देखते हैं यहाँ किचन में क्या क्या है ये कुछ गैस टॉप लग रहा है मुझे और ये वो सेक्शन है जहाँ बहुत सारे सैरमिक और कॉपर डिशेस हैं जहाँ खाना बनता होगा तो ये इसको देखकर बताया जा सकता है कि यहाँ अभी कॉपर वेस्ट डिशेस में ही खाना बनता था ये देखो कितने सारे कॉपर वेस्ट डिशेस हैं एंड देन ये फिर से गैस टॉप चिमनी तंदूर ये जो है यहाँ का एग्जिट गेट बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैंस हैं यहाँ यह है कोन और थोड़ी सी क्रॉकरी भी है इधर मेनली वो बर्तन है जिसमें खाना बनाया जाता होगा और ये भी दो आर्टिफिशियल एनिमल्स जो रॉयल फ़ैमिली में खाए जाते थे और इसके साथ है ये उस टाइम का तंदूर और ये है रॉयल फ़ैमिली की गेस्ट कैसल से अभी हम बाहर निकल के आ चुके हैं और ये एग्ज़िट गेट पे बहुत अच्छी सी ग्रीनरी को मेंटेन किया हुआ है तो अभी मैं विज़िट करके आ रही हूँ इनवरे कैसल तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो तो ये है हमारी बस और चलते हैं वापस